वेलकम टू कैप्टन एग्रो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 वेदर एंड क्लाइमेट, जिसका पार्ट 3। इससे पहले इसके दो पार्ट में अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप उन दोनों वीडियोस को जाकर देखें, तभी आपको पार्ट 3 अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि जो बेसिक है वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में, कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, वो सब कुछ हमने जान लिया था पार्ट 1 के अंदर। तो आप फर्स्ट को जाकर देखें, और जो पार्ट जो 2 है उसमें हमने एलिमेंट जाने थे, जो हमारी हेडिंग है एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम एवं जलवायु के तत्व। तो इसमें हमने दो एलिमेंटों को पढ़ लिया था, एक तो सोलर रेडिएशन पढ़ लिया और एक एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पढ़ लिया। तो वो दोनों समझना जरूरी है, तभी आपको थर्ड समझ में आएगा, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है लव प्रकाश, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और पास में जो बेल आइकन उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और अगर आपको इस वीडियो को पूरा समझना है, इस चैप्टर को पूरा समझना है, बिल्कुल आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आप इसको स्किप ना करें, पूरा देखें, कंटिन्यू देखें, तभी आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ पाओगे। और दोनों पार्ट पहले जाकर जरूर देखें, तभी आपको पार्ट 3 समझ में आएगा। जो हमने 2 वाली वीडियो थी उसमें हमारा जो टॉपिक था, मतलब जो एलिमेंट है, हेडिंग को समझते हैं। हेडिंग क्या है? एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, कि मौसम और जलवायु के जो एलिमेंट हैं वो कौन कौन से हैं जो इफेक्ट करते हैं। तो उसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था सोलर रेडिएशन, और 2 पढ़ा है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। उसमें एक छोटा सा टॉपिक हमारा छूट गया था, उसको मैं यहाँ पे कवर कर देता हूँ, कि जो हमारी क्रॉप्स हैं उनको टेम्परेचर मैक्सिमम कितना चाहिए, भाई इस टेम्परेचर पे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी क्रॉप ग्रो नहीं करेगी। ऑप्टिमम कितना चाहिए, मीडियम वाला, और बिल्कुल लो कितना चाहिए, उसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ से जेट, ICAR, BHU, JRF, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, इन सभी एग्जाम्स में इस टेबल से क्वेश्चन पूछा जाता है एक। तो आप बिल्कुल अच्छे से समझें, इधर मैंने टेम्परेचर लिखा है मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है। इधर लिखे है सीजन, विंटर सीजन और समर सीजन। विंटर डिग्री सेल्सियस में बात करेंगे हम, तो मिनिमम टेम्परेचर जो चाहिए विंटर सीजन में फसलों के लिए, वो चाहिए 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसमें भी आराम से उग जाएगी, लेकिन अगर इससे कम हो जाएगा तो हमारी फसल की जो ग्रोथ होगी ना वो क्या होगी, रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। फ्लावरिंग, फ्लावर वगैरह बनना, उसकी जो प्रोसेस है वो सारी की सारी एक तरीके से स्टॉप हो जाएगी इस टेम्परेचर के नीचे। तो मिनिमम टेम्परेचर हमारा हो सकता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक, मैं बात कर रहा हूँ विंटर सीजन की। बात करें समर सीजन की, ग्रीष्मकाल की, गर्मियों वाले सीजन की, तो उसमें जो मिनिमम टेम्परेचर जो फसलें सह लेती है वो है हमारा 15 से 18 डिग्री सेल्सियस। आपको याद रखना है कि मिनिमम समर के लिए 15 से 18, और बात करें विंटर के लिए तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। वैसे यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक सा फैक्ट बता देता हूँ, कि विंटर सीजन में अगर 10 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर हो जाता है तो इस पर हमारी फसलों की ग्रोथ रुक जाती है। बात करें ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब है कि जिस पे सारी की सारी बायोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ होती है प्लांट के अंदर वो बिल्कुल अच्छे से हो जाए, कहने का मतलब है सही तरीके से, इष्टतम तापमान बोलते हैं इसको हम। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है विंटर सीजन के लिए या समर सीजन के लिए, जिसमें फसलें आसानी से बढ़िया तरीके से अपने आप की ग्रोथ कर पाती है, कहने का मतलब है सूटेबल टेम्परेचर होता है। बात करें विंटर सीजन में तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस एक तरीके से ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है विंटर सीजन की क्रॉप के लिए। बात करें समर सीजन के लिए, तो समर सीजन में होता है 30 से 38 डिग्री सेल्सियस, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है समर सीजन का। बात करें मैक्सिमम टेम्परेचर की, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, थर्ड वाला याद रखना ऑप्टिमम, क्योंकि नॉर्मल सूटेबल टेम्परेचर पूछा जाता है। बात करें मैक्सिमम टेम्परेचर कि इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो गया तो हमारी फसलों की ग्रोथ रुक जाएगी। अगर विंटर सीजन में 30 से 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो हमारी फसलों की ग्रोथ रुक जाएगी। बात करें समर सीजन की, गर्मियों वाले सीजन की, तो उसमें अगर 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर है वहाँ तक सहन कर लेगी फसलें, लेकिन अगर 50 से ज़्यादा हुआ ना तो फसलें जलने लग जाएगी, उनकी ग्रोथ नहीं होगी, वो रुक जाएगी। तो हमारा जो टॉपिक था एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का था, जो हमारा 2nd एलिमेंट था। अब बात करते हैं थर्ड एलिमेंट की। थर्ड एलिमेंट क्या है हमारा, थर्ड एलिमेंट है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। अब बात करें एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, इसको हम बोलते हैं हिंदी में वायुमंडलीय आर्द्रता। मेरे पास जस्ट अभी कल वाली वीडियो में एक कमेंट आया था
कि सर आप हिंदी में पढ़ाए, तो मैंने अभी यहाँ पे पूरा हिंदी में लिखा है। हम दोनों लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे जो मेन मेन हमारे टॉपिक है, ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना आए। कोई सा भी एग्जाम दे, अगर हम आगे बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं, कोई सा भी ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं, तो इंग्लिश में होता है। इसलिए मैं यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ, ताकि आप इसको समझने की कोशिश करें। एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी, वायुमंडलीय आर्द्रता। अब वायुमंडलीय आर्द्रता क्या होती है? जो हमारा एटमोस्फेयर है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा वायुमंडल है, इसमें उपस्थित जल वाष्प की बूंदे या जल वाष्प, कहने का मतलब है वाटर वेपर्स, उसी को हम बोलते हैं एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी या वायुमंडलीय आर्द्रता। इसकी डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखी हुई है, वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को ही हम क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय आर्द्रता बोलते हैं। जल वाष्प आप सब जानते हो कि जो जल की बूंदे होती है वो वाष्प के रूप में एनवायरनमेंट में जमा हो जाती है, तो होती है हमारी आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। उसी को हम क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय आर्द्रता, एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी। वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर इज नोन एज एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी। तो आपको याद रखना है, दोनों डेफिनेशन समझने की कोशिश करें। डेफिनेशन में कुछ भी नहीं है, इतना सा है कि हमारा जो एटमोस्फेयर है, वायुमंडल है, उसमें जल वाष्प की जो आर्द्रता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय आर्द्रता या एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी। आगे बढ़ते हैं। जो वायुमंडलीय आर्द्रता होती है, जो एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी है, ये टू टाइप्स की होती है, दो प्रकार की होती है। पहला आता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, AH, निरपेक्ष आर्द्रता, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता बोलते हैं। दूसरा इसका प्रकार है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, RH, सापेक्ष आर्द्रता। तो एक एक को समझते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। बात करें हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, निरपेक्ष आर्द्रता की, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है कि निश्चित आयतन में उपस्थित आर्द्रता की मात्रा। एक पर्टिकुलर आयतन आप सब जानते हो, जैसे गिलास है उसमें कितना पानी भरा जा सकता है, उसका क्या हो गया? आयतन। तो ऐसे बात कर रहे हैं निश्चित आयतन में उपस्थित आर्द्रता की मात्रा। एक पर्टिकुलर एरिया हो सकता है, उसका जो आयतन है, जो वॉल्यूम है, उसमें उपस्थित, उसमें प्रेजेंट आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, उसी को हम क्या बोलते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। वापस से सुन ले दोबारा, निश्चित आयतन में उपस्थित आर्द्रता की मात्रा को हम बोलते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। समझ में आ गया होगा आपको कि पर्टिकुलर कोई आयतन है, जैसे इस कमरे की बात करें हम, इसका जो आयतन है इसमें उपस्थित आर्द्रता को हम बोल रहे हैं निरपेक्ष आर्द्रता। ठीक है, आपको याद रखना है। अब इसको मापते काय में है, तो उसको मापते ग्राम घन सेंटीमीटर में, या फिर ग्राम घन मिलीमीटर ग्राम में, या फिर ग्राम घन फिट में, इन तीनों यूनिट में हम इसको मापते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा इसका प्रकार है ह्यूमिडिटी का, वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिसको हम सापेक्ष आर्द्रता या फिर अपेक्षित आर्द्रता भी बोलते हैं। लिख लीजिए हिंदी वाले, अपेक्षित आर्द्रता, इंग्लिश में रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसको हम बोलते हैं। ये होती क्या है? उसमें तो क्या था कि निश्चित आयतन में प्रेजेंट जल वाष्प, कहने का मतलब आर्द्रता, उसी को हम क्या बोलते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता। अब इसमें क्या पढ़ेंगे? किसी निश्चित तापमान पर वायु में उपस्थित आर्द्रता, कोई पर्टिकुलर हमारा टेम्परेचर हो सकता है, उसमें उपस्थित आर्द्रता उसके ग्रहण करने की क्षमता के अनुपात को अपेक्षित आर्द्रता बोलते हैं। कहने का मतलब समझते हैं, जैसे हमारा टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, कितना टेम्परेचर है? 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब इस टेम्परेचर में आर्द्रता, जो आर्द्रता है कितने डिग्री टेम्परेचर पे, मतलब दोनों सहन कर सकते हैं, ये 25 डिग्री टेम्परेचर पे कितनी आर्द्रता रह सकती है, इन दोनों के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? अपेक्षित आर्द्रता बोलते हैं, या फिर सापेक्ष आर्द्रता बोलते हैं। डेफिनेशन वापस से समझते हैं, किसी निश्चित तापमान पर वायु में उपस्थित आर्द्रता, वायु में, किसमें उपस्थित आर्द्रता? वायु के अंदर है, उसके ग्रहण करने की क्षमता के अनुपात को अपेक्षित आर्द्रता बोलते हैं। उस वायु में मतलब टेम्परेचर से बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, उसमें जो एक तरीके से सहन करने की, ग्रहण करने की जो अनुपात है दोनों का, एक तो कि वायु में उपस्थित आर्द्रता और उसके ग्रहण करने की क्षमता, इन दोनों के अनुपात को हम बोल रहे हैं अपेक्षित आर्द्रता या फिर सापेक्ष आर्द्रता। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक फॉर्मूले से इसको समझेंगे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। इसको हम मापते हैं इसकी इकाई परसेंट में, ठीक है, प्रतिशत में। अब इसके सूत्र से समझेंगे, ताकि और अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा कि अपेक्षित आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी या सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे हम निकालेंगे? वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा, वायु के अंदर जो हमारे एयर है उसमें जल वाष्प की मात्रा हम यहां पर लिख देंगे, अपोन वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता, कि कितनी ग्रहण कर सकती है आपकी जो ये वायु है, इसमें कितनी आर्द्रता आ सकती है, कितनी जलवाष्प की बूंदें आ सकती है, उस क्षमता को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से।
तो हमारी निकल जाएगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी या अपेक्षित आर्द्रता। समझ में आ गया होगा आपको कि वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा अपॉन वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता, कि वायु कितनी आर्द्रता ग्रहण कर सकती है, मल्टीप्लाई 100, जिसमें हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकल जाएगी। इसका एक और फॉर्मूला है, आप याद कर लीजिएगा दोनों फॉर्मूले। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि अपेक्षित जो आर्द्रता होती है, वास्तविक वाष्प दाब, जो रियल हमारा जो प्रेशर है, वास्तविक वाष्प दाब अपॉन संतृप्त दाब सेचुरेटेड प्रेशर, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से तो निकल जाएगी हमारी अपेक्षित आर्द्रता या फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो दो फॉर्मूला है, दोनों आपको याद करने हैं। अब ये इनका वर्क क्या है, वर्क बता देता हूँ मैं आपको। भविष्यवाणी व वर्षा की मात्रा का निर्धारण करने में हम इसका यूज लेते हैं, ठीक है। तो आपको वर्क भी याद रखना है, वर्क में एक लाइन है, भविष्यवाणी व वर्षा की आर्द्रता का निर्धारण करने में। बात करें रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फसलों पर प्रभाव, जो हमारी अपेक्षित जो आर्द्रता है, जो सापेक्ष आर्द्रता है, ऊपर वाले की बात नहीं कर रहे हम, निरपेक्ष को भूल जाओ, निरपेक्ष में एक लाइन याद कर ली हमने, अब बात कर रहे हैं रिलेटिव की, सापेक्ष आर्द्रता की। इसका फसलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फसलों पर क्या बुरा इफेक्ट पड़ेगा या अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, तो उसके बारे में हम समझते हैं। इसमें 7 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, इनको यहाँ पे हम शॉर्ट में समझेंगे, ठीक है। कैसे, सबसे पहला पॉइंट है हमारा जल संबंधन, जल संबंध। अगर हमारा जो ये प्लांट है, सपोज करो ये हमारा कोई प्लांट है, अभी हमारी जमीन है, इसमें आर्द्रता अगर ज्यादा होगी तो ये प्लांट क्या करेगा, अगर आर्द्रता ज्यादा होगी तो इसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया अधिक होगी। कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पे आर्द्रता ज्यादा है तो पानी ज्यादा है, और प्लांट की जो जड़ें हैं पानी को बिल्कुल अच्छे तरीके से अवशोषण कर पाएगा और अपने आप में अधिक ग्रोथ कर पाएगा। और अगर कम होगी तो यहाँ पानी कम रहेगा तो हमारा पौधा सूखने लगेगा, मतलब फोटोसिंथेसिस की क्रिया कम होगी, जल का अवशोषण कम होगा। आगे पढ़ेंगे इस पॉइंट में, तो इसमें क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन को इफेक्ट करेगा। दूसरा पॉइंट है हमारा पर्ण वृद्धि, जस्ट इस पॉइंट से रिलेटेड है, पत्तियों का आकार अधिक हो जाएगा। क्या होगा, अगर हमारी मिट्टी में आर्द्रता अधिक है तो इसमें जल का अवशोषण प्रॉपर तरीके से होता रहेगा, तो हमारी जो पत्तियां होगी, जो शुष्क आर्द्र जो क्षेत्र होते हैं उनमें पौधों की जो पत्तियां होती है वो बड़ी हो जाती है। कैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, अधिक वृद्धि उनके अंदर होती है, और अगर कम होगा तो छोटी रह जाएगी। थर्ड है प्रकाश संश्लेषण को इफेक्ट करती है। कैसे इफेक्ट करती है, आर्द्रता में कमी के कारण पौधों में जल की कमी हो जाती है। कैसे हो जाती है, यहाँ अगर आर्द्रता नहीं रहेगी, नमी नहीं रहेगी हमारे पास, तो जो जड़ें हैं ये वाटर को ऊपर ले ही नहीं जा पाएगी, मतलब जो रूट्स हैं वो वाटर को एब्जॉर्व नहीं कर पाएगी, अवशोषण नहीं कर पाएगी, तो पानी की कमी होगी। पानी की कमी होने से क्या होगा, एक तरीके से हमारे प्लांट में जल की कमी आ जाएगी और पौधे सूखने लगेंगे, उनमें पीलापन आने लगेगा। अगला परागण, बीज जमाव। अगर आर्द्रता बिल्कुल अच्छे से रहेगी तो हमारा जो बीज का जो जमाव है, जो बीज वगैरह हमने डाला है, वो अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएगा। अगर आर्द्रता नहीं रहेगी तो ये बीज काफी समय तक ऐसे ही जमीन में पड़ा रहेगा, उग ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर आर्द्रता रहेगी, नमी रहेगी, तो बीज में अंकुरण जल्दी से जल्दी होगा। आई होप आप इन पॉइंटों को समझ पा रहे हो। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा। अगला है पोषक तत्वों का स्थानांतरण। अगर हमारी जमीन में आर्द्रता रहेगी तो पोषक तत्वों का स्थानांतरण बिल्कुल अच्छे से हो पाएगा। जैसे सपोज करो यहाँ कोई पोषक तत्व डाले मैंने, ये वाले, अब आर्द्रता है तो यहाँ पे जल का अवशोषण करेगी जड़ें, और जड़ों के साथ हमारा जो पोषक तत्व वगैरह है इनका स्थानांतरण बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। लेकिन अगर आर्द्रता नहीं रहेगी तो पोषक तत्व वहीं के वहीं पड़े रहेंगे, ये आपको याद रखना है। अगला है कीट एवं रोगों का प्रभाव। अब देखो क्या होता है, ये अगर आर्द्रता हमेशा बनी रहेगी, काफी टाइम तक आर्द्रता बनी रहेगी सोइल के अंदर, तो इसमें कवक, जो कवक होते हैं उनकी प्रजनन की क्रियाएं बढ़ जाएगी, इनमें फफूंद बहुत ज्यादा लगने लगेगी। आपने देखा होगा कि जहां पे गीली मिट्टी होती है वहां पे फफूंद ज्यादा लगने लग जाती है, तो फफूंद ज्यादा लगने से क्या होगा कि कवक जनित बीमारियां हमारे प्लांट के अंदर होने लगेगी। तो एक तरीके से कवक जनित बीमारियां, रोगों का प्रभाव, इंसेक्ट वगैरह ज्यादा बढ़ेंगे अगर आर्द्रता ज्यादा समय तक बनी रहेगी तो। अगला है उपज। अब उपज यील्ड, हमारी क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए ना तो हमें ज़्यादा आर्द्रता चाहिए और ना ही कम आर्द्रता चाहिए। अगर मीडियम आर्द्रता हमारी बनी रहे तो हमारी क्रॉप का जो प्रोडक्शन होगा वो बिल्कुल अच्छे से होगा, एक तरीके से उत्पादन अच्छा होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी फसलों पर बुरा और अच्छा प्रभाव डालती है। अभी हमने पढ़ा है एलिमेंट्स के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा था सोलर रेडिएशन, सेकेंड पढ़ा है हमने
टेम्परेचर, एटमोस्फेरिक टेम्परेचर, थर्ड हमने पढ़ा है एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी। तो एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी के बाद एक और टॉपिक है हमारा, एक तरीके से इसी के अंदर आता है एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी के अंदर। टॉपिक क्या है? कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स, जल वाष्प का संघनन। कि जो जलवाष्प अभी हमने पढ़ा था, जो जलवाष्प की जो बूंदे हैं वायुमंडल में, उसको हम क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय आर्द्रता बोलते हैं, एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो इसे जो हमारा जो जलवाष्प है इसका संघनन हो जाता है। अब संघनन क्या होता है वो आपको मैं बता देता हूँ। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का तरल अवस्था में परिवर्तित होना संघनन कहलाता है। कहने का मतलब है जो वायुमंडल में जो जलवाष्प है ना वो किस रूप में है? गैसीय फॉर्म में, गैस के रूप में है। किसके रूप में? गैस के रूप में। अब इससे अगर वो तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो इस क्रिया को हम बोलते हैं संघनन। तो यहाँ पे हमारा जो जलवाष्प है इसका क्या होगा? संघनन होगा। अब संघनन होने से क्या क्या क्रियाएं होगी, किस किस का निर्माण होगा, उनके बारे में हम समझते हैं। तो संघनन होने की वजह से ओस का निर्माण होता है, ड्यू जिसको हम बोलते हैं। अब ओस क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ कि दिन के समय जो जलवाष्प होता है, आपने देखा होगा कि जो पानी है, जो तालाब है, उनसे पानी उड़ के ऊपर जाता है जलवाष्प के रूप में। अब वो कुछ थोड़ा सा ऊपर जाके, मतलब अर्थ सरफेस के इसमें ही रहता है वो चक्र में, उससे थोड़ा सा ऊपर जाके वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। और जैसे नाइट होती है तो नाइट के समय शीतलन होती है, एक तरीके से सर्दी वाला टाइम होता है, तो उस टाइम पे वो बूंदे होती है कुछ नीचे आके जम जाती है, एक तरीके से नीचे आएगी धीरे धीरे धीरे, और जो पौधे हैं, जो हमारी प्लांट हैं, उन पे जो पत्तियां हैं उन पे आके बूंदों के रूप में जम जाती है। किसके रूप में जम जाती है? बूंदों के रूप में, पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में। आपने देखा होगा कि सर्दियों के टाइम पे जो पेड़ पौधे होते हैं, सुबह सुबह के टाइम आपने देखा होगा आपकी बाइक अगर बाहर खड़ी होगी तो उस पर पानी की बूंदें जम जाती है। कपड़े हम बाहर सुखा देते हैं तो थोड़े से हमें गीले गीले दिखते हैं, बाहर कुछ भी रख दो आप, एक तरीके से पानी की बूंदें जम जाएगी। सुबह उठे हुए आप सुबह उठ के देखोगे तो सर्दियों के टाइम पे। तो होती है ओस, ओस को आप सब जानते हो कि ओस कैसी होती है, आप सब ने देख रखा होगा ओस को। तो वो ओस कैसे इफेक्ट करती है फसलों को? ओस से क्या होता है कि फसलों में पर्याप्त नमी बनी रहती है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की क्रिया बड़े तरीके से हो पाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ओस अगर कुछ ज़्यादा ही पड़ गई तो वो इफेक्ट एक तरीके से दुष्प्रभाव भी फसलों के ऊपर पड़ता है। अब सरसों और जो चना है इसकी पैदावार में बढ़ोतरी होती है ओस की वजह से। आपको याद रखना है कि जो ओस है उसकी वजह से सरसों और चने की पैदावार में बढ़ोतरी होती है। अगला है हमारे पास कोहरा, फोग। कोहरा या फोग आप सबने देखा होगा, सूर्य का प्रकाश पर्याप्त नहीं मिल पाता है। अब देखो कोहरा क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जो ओस है ये बिल्कुल हल्की बूंदों के रूप में रह जाती है और एक तरीके से छोटी 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 बिल्कुल बारीक बूंदें बन जाती है और इन्वायरमेंट में जमा हो जाती है, जिसकी वजह से हमें यहाँ से वहाँ तक का भी नहीं दिखाई देता। सर्दियों में आपने देखा होगा सुबह सुबह के टाइम जैसे बाहर निकलते हो तो कुछ नहीं दिखता हमें, धुआं 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 नजर आता है, उसको हम बोलते हैं कोहरा, फोग। अब इससे क्या होता है कि जो सूर्य का जो प्रकाश है, आपने देखा होगा सर्दियों के टाइम पे सन जो हमें अच्छे से नहीं दिख पाता, किसकी वजह से? कोहरे की वजह से। तो उसकी जो किरणें हैं ना वो भी पौधे तक मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाती। जैसे हमारा प्लांट है, इसकी ये पत्ती है, तो यहाँ पर अगर इस सन की किरणें अच्छे से नहीं पहुंच पाएगी तो उसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया अच्छे से नहीं हो पाएगी, प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमारा पौधा पीला पड़ जाएगा। कैसा हो जाएगा? पीला पड़ जाएगा, एक तरीके से प्रोडक्शन में भी कमी आएगी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कोहरे में फोग के अंदर कि क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पर्याप्त नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से पौधा पीला पड़ जाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि ओस की बूंदे जो फोग है, जो छोटे छोटे पानी की बूंदे हैं, उनकी वजह से प्रकाश हमारे प्लांट तक पहुँच ही नहीं पाता है। अगला आता है धुंध या कुहासा, मिस्ट। ये भी एक फोग का प्रकार है। किसका प्रकार है? फोग का प्रकार है ये। इसमें क्या होता है, ये एक तरीके से कम होता है। आपने कोई दिन तो ऐसा देखा होगा सर्दियों के टाइम कि सुबह सुबह सूरज निकला और सारा जो कोहरा रहता है वो फट जाता है, एक तरीके से आराम से हम देख पाते हैं दूर दूर का भी। तो जो एक तरीके से हल्का रूप, किसका? कोहरे का हल्का रूप, उसको हम बोलते हैं मिस्ट या कुहासा या धुंध बोलते हैं। जैसे सूरज उगेगा तो उसके साथ साथ ही हमारा जो ये है मिस्ट है, कुहासा है, ये गायब होने लग जाएगा और हमें दिखने लग जाएगा। इसमें दृश्यता क्या होती है कि अगर आप 1 किलोमीटर तक का देख पा रहे हो, 1 किलोमीटर तक का आपको आसानी से दिख रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? धुंध या कुहासा बोलते हैं। लेकिन हमें यहां से 100 मीटर आगे का नहीं दिख रहा है तो हम उसको बोलते हैं कोहरा। क्या बोलते हैं? कोहरा। बाइक जब हम चलाते हैं सर्दियों के टाइम पे तो आगे इतना कोहरा होता है कि हमें लाइट जलानी पड़ती है उसकी, ताकि हम अच्छे से देख पाए, सामने वाले साधन हमें देख पाए अच्छे से, तरीके से प्रॉपर तरीके से हमें दिखे, क्योंकि उस कोहरे में कुछ नहीं दिखाई देता, बिल्कुल धुआं 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 नजर आता है, उसको हम बोलते
बोलते हैं कोहरा। लेकिन अगर हम एक किलोमीटर आगे तक का देख पा रहे हैं, उसके आगे का नहीं देख पा रहे, तो होता है हमारे पास मिस्ट या फिर कुआसा या धुंध, हम उसको बोलते हैं। और मतलब सूरज जैसे जैसे ऊपर आएगा आराम से फट जाएगा। अगला है धूम कोहरा। अब धूम कोहरा या स्मोग, अब धूम कोहरा या स्मोग क्या होता है, ये क्या होता है, धुएं और कोहरे दोनों से मिलके बनता है। कोहरा आपने पढ़ा होगा, अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि कोहरा क्या होता है। अब धुआं क्या होता है, धुआं आप सब जानते हो कि जो शहर होते हैं उनके किनारे पर जो कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, पोल्यूशन है, इनकी वजह से धुआं निकलता है। अब उस धुएं में मिक्स हो जाता है हमारा कोहरा। जब वो मिक्स हो जाता है तो मिक्स होने की वजह से निर्माण होता है किसका, स्मोक का या धूम कोहरे का। कहने का मतलब है उसमें धुआं प्लस कोहरा दोनों मिलके स्मोक का निर्माण करते हैं और शहरों के निकट इसका निर्माण होता है और ये एक वायु प्रदूषण का प्रकार है, एयर पोल्यूशन है। कैसे है, क्योंकि जो शहरों से निकलने वाला जो धुआं है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धुआं है, वो सब मिक्स हो रहा है किसमें, हमारे कोहरे के अंदर। तो एक तरीके से क्या हो गया, पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया। अगला आता है हमारे पास पाला, या फिर इसको हम तुषार भी बोलते हैं या फिर प्रोस्ट भी बोलते हैं। अब पाला क्या होता है कि कभी कभी सर्दियों के टाइम पे हमारी पत्तियों का जो टेम्परेचर होता है प्लांट का, इतना कम होता है कि उस पर जो पानी की बूंदे हैं, जो ओस की बूंदे आके गिरी है, ये बर्फ के रूप में जमा हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट उसको सहन कर ही नहीं पाता, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंडक होती है ना, जिसकी वजह से पौधे को सर्दी लग जाती है, एक तरीके से वो अपने आप की ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो उसको हम बोलते हैं पाला या फिर तुसार। कहने का मतलब है पत्तियों के ऊपर इतना ज्यादा ठंडा बर्फ जमा हो गया कि उसकी ग्रोथ हो ही नहीं पा रही, फोटोसिंथेसिस कुछ नहीं हो पा रहा, तो उसको हम बोलते हैं पाला। और ये पाला बहुत खतरनाक होता है हमारी फसलों के लिए, बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव डालता है। हम इससे कैसे बच सकते हैं, बात करें बचने के उपाय की, तो सबसे पहले हम पाला रोधी किस्मों का यूज कर सकते हैं कि जहां पे एक तरीके से पाला अधिक होता है वहां पे हम जैसे चने की फूसा, 212, तोरी, भवानी, इन किस्मों को उगा सकते हैं क्योंकि ये पाला रोधी किस्म है। आलू की हम कोफरी शीतमान उगा सकते हैं क्योंकि ये भी पाला रोधी किस्म है। और कैसे बच सकते हैं, हल्की सिंचाई करके। हल्की सिंचाई करने से क्या होता है कि 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हमारे पौधों के अंदर बढ़ जाता है, तो हल्की सिंचाई करके भी हम पाले से बच सकते हैं। धुआं करके, कि खेत के जो चारों कोने हैं, आसपास जो मेड़ होती है, वहां पे आप जो पुराना कूड़ा कचरा है उसको जला दो। जलाने से क्या होगा, धुआं होगा, और धुआं होने से क्या होगा कि हमारा वायुमंडल गर्म होने लगेगा, और गर्म होने लगेगा तो ये पानी पिघलने लगेगा, और ये पिघलेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हम धुआं करके भी पाले से बच सकते हैं। गंधक के अम्ल का छिड़काव कर सकते हैं, जो सल्फर होता है उसका हम छिड़काव कर सकते हैं 0.1% 1000 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करने से भी क्या है, हम पाले से हमारी फसल को बचा सकते हैं। अगला है छाया करके। अगर आपके पास एक तरीके से छोटे मोटे पेड़ पौधे हैं, एक तरीके से ज़्यादा बड़ा खेत नहीं है, जैसे नर्सरी है, तो आप उस पर छाया करके भी पाले से बच सकते हो। अगला बात करें बुआई के समय समायोजन करके। अब हम बुआई का समय समायोजन कर सकते हैं। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि जिस टाइम पे पाला पड़ता है, अगर उससे उस टाइम को थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया जाए, हमारी फसल का जो बुआई का टाइम है उसको आगे पीछे कर दिया जाए कि हमारी निषेचन की क्रिया प्रॉपर तरीके से हो चुकी है पौधों के अंदर, उसके बाद में पाला पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमको टाइम पीरियड को थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं, समायोजन कर सकते हैं। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। हमने 4 एलिमेंट हमारे कंप्लीट कर लिए हैं। 4 एलिमेंट कौन कौन से, एक बार वापस से याद दिलाता हूँ ताकि आपको याद हो जाएगा। पहला हमारा था सोलर रेडिएशन, उसके बाद में हमारा क्या था, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, और फिर उसके बाद में हमने पढ़ा एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, और एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी के अंदर ही हमने क्या पढ़ा है, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स, जल वाष्प का संघनन। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका जो जवाब है मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। जो अगला हमारा पार्ट है वो पार्ट 4 आएगा। आप जिसको भी पार्ट 4 देखना है वो मुझे कमेंट बॉक्स में पार्ट 4 जरूर लिखे। आपको एक और बात बता देता हूँ कि मेरे पास जैसे कमेंट आते हैं कि सर हिंदी में पढ़ाओ, वो सारे कमेंट आते हैं इंग्लिश में पढ़ाओ, तो एक बार आप मुझे सारे बच्चे कमेंट करके बताएं कि कितने तो हिंदी मीडियम वाले हैं और कितने इंग्लिश मीडियम वाले हैं। अगर इनकी संख्या ज़्यादा होगी तो मैं 2 अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक तो हमारी इंग्लिश की रहेगी प्रॉपर और एक रहेगी हमारी हिंदी की, ताकि दोनों को ही कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और समझने में भी आप लोगों को आसानी रहेगी। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जिन लोगों ने फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रखा है वहाँ पर जाके फॉलो जरूर करें, क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर के लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बताता रहता हूँ।
क्योंकि वहां पे मैं एग्रीकल्चर के लेटेस्ट अपडेट आपको बताता रहता हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करना ना भूले। कमेंट करते रहे ताकि मैं आपके लिए नया से नया वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आता रहूं। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान जय किसान।